हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी कुकर में, जिसके लिए मैंने 3 आलूओं को कट किया है। इसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू कट कर लिए हैं, 1 चुकंदर। चुकंदर से पाव भाजी में बहुत अच्छा कलर आता है। अगर आपके पास मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चुकंदर को भी हम बारीक कट कर लेंगे। गोभी को कट कर लेंगे। गोभी को हम छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। आपके पास जो सब्जी मिल जाए आप वो सब्जी डाल सकते हैं। एक शिमला मिर्ची ले ली मैंने। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिए। इन सारी सब्जियों को हम कुकर में डाल देंगे। सारी सब्जी मैंने कुकर में डाल दिया। इसमें भी 1 कटोरी पानी डाल देंगे। एक चम्मच नमक आप अपने हिसाब से डालें। चम्मच हल्दी। कुकर को बंद कर देंगे। एक सीटी आने तक अच्छे से बंद कर देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। तब तक सीटी आई तब तक हम अपने टमाटर कट कर लेंगे। मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और इनको बारीक कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे टमाटर को कट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारे टमाटर को कट कर लिया है। कुकर में सीटी आ चुकी है। अब इसको हम खोल लेंगे। ठंडा होने के बाद फिर हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी को हम अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे। टमाटर को अच्छी तरीके से भूनना है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। सब्जियों के लिए नमक पहले से ही डाल दिया था उसमें मैंने। ये टमाटर पकने के लिए थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसमें बारीक कटे हुए 2 हरी मिर्ची डाल देते हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक मैंने पीस लिया है।
इसको अच्छी तरह मैश होने तक घोट लेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। टमाटर को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिए। अब इसमें डालेंगे मसालों। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च से इसमें बहुत बढ़िया कलर आता है। अब इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच पाव भाजी मसाला। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से भुनेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें 1 चम्मच नींबू निचोड़ देंगे। इसको भी 1 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें बटर डाल दिया मैंने। सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। हम अच्छी तरीके से घोटेंगे। अब इसमें हम फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। अब इसमें हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। अच्छी तरीके से इन्हें घोट लेंगे। 2-3 मिनट के लिए इन्हें अच्छी तरीके से पका लेंगे। सारी सब्जी को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। सब्जी मन बनकर रेडी है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया है। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम पाव डालेंगे। पाव को मैंने 2 पीस में कट किया था। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। इसी तरीके से सारे पाव को हम ऐसे ही बटर डाल के भुनेंगे। सारे पाव मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। इसको गरम गरम सब्जी के साथ खाएंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। पाव भाजी हमारी बनकर रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है।